अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोगों का बेसिकली जो है वो इस पे है, हम लोगों के एक्स्ट्रा हिपेटिक, ठीक है, बाइलरी अपरेटस पे, ठीक है, एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी अपरेटस पे, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। ये आप लोगों की जो बीडी चौरासिया वाली बुक है, ठीक है, आपकी उस हैंडबुक में ये जो चैप्टर नंबर 3.22 बनता है, ठीक है, सेक्शन 2 में ना, एब्डोमिनल सेक्शन में 22 नंबर बनता है ये एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी अपरेटस वाला, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम पहले ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बाइलरी के बारे में, ठीक है। जो बेसिक बाइलरी ट्री होता है हमारा, ठीक है, वो एक्चुअली हमारा दो में आगे डिवाइड होता है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू इंट्रा हिपेटिक, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा हिपेटिक, ठीक है। लेकिन जो इसमें आज पढ़ना है वो हम लोगों का एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी अपरेटस है, ठीक है। ये हमारा वो वाला बाइलरी पैसेज होता है, ठीक है, विच ट्रांसमिट बाइल, ठीक है, फ्रॉम द लीवर टू द ड्यूडेनम एंड आर फाउंड आउटसाइड द लीवर आर कलेक्टिवली वी कॉल्ड एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी अपरेटस, ठीक है। द बाइलरी पैसेजेस विच ट्रांसमिट्स बाइल फ्रॉम द लीवर टू द ड्यूडेनम एंड आर फाउंड आउटसाइड द लीवर और कलेक्टिवली कॉल एज एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी अपरेटस, ठीक है। और आगे जो आपका बाइलरी एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी अपरेटस जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, कॉमन हिपेटिक डक्ट आती है, ठीक है। इसमें हमारे पास आगे गॉल ब्लैडर आता है, ठीक है, सिस्टिक डक्ट आती है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट आता है, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइल डक्ट के क्या है ये पार्ट्स हैं, जिसपे हमने ये सारा गॉल ब्लैडर का डिस्कस करना है और डक्ट का, ठीक है, कॉमनली बाइल डक्ट का, ठीक है, और इसकी आगे जो डिजीजे हमने वो देखनी है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन हिपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम गॉल ब्लैडर को देखें, ठीक है, तो बेसिकली गॉल ब्लैडर क्या है, हमारे पास एक स्मॉल ग्रीन और इंट्रा पेरिटोनियल सैक होता है, ठीक है, दैट लाइज इन द फोसा, ठीक है, बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक लोब्स एट द लेवल ऑफ 9th रिब, ठीक है, राइट साइड की जो 9th रिब होती है, ठीक है, उसके लेवल पे क्या है इसकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या है हमारे पास, इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गन, ठीक है, इट इज़ अ ग्रीन इंट्रा पेरिटोनियल सैक होता है ये, ठीक है, डेट लाइज इन द फोसा बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक लोब्स एट द लेवल ऑफ राइट 9th रिब, ठीक है, एंड इट्स एक्चुअली ग्रीन कलर, ठीक है, ये होता हमारे पास ग्रीन कलर में, ठीक है, ड्यू टू द बाइल दैट इट स्टोर्स, ठीक है। क्यों होता है ग्रीन कलर में, क्योंकि बाइल की वजह से जो ये क्या है अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्या है कि लाइज इन द फोसा बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लोब्स ऑफ द लीवर टू विच इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वाया द फाइबरस कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर गॉल ब्लैडर के फंक्शन हम देखें, ठीक है, एज एन एसेसरी ऑर्गन टू फोर, ठीक है, एक्चुअली जो गॉल ब्लैडर है हमारे पास, इट फंक्शंस एज एन एसेसरी ऑर्गन टू द फोरगेट, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे पास स्टोर करता है गॉल ब्लैडर एंड कॉन्सेंट्रेट बाइल दैट इज क्रिएटेड बाय द लीवर, ठीक है, ये स्टोर करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है बाइल को, ठीक है, वो कौन क्रिएट करता है, हमारे पास जो लीवर है वो क्रिएट करता है, ठीक है, एंड इट्स सिस्टमेटिकली ड्रेन्स बाइल इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है, वाया द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। आगे क्या करता है ये, इट स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल दैट इज क्रिएटेड बाय द लीवर एंड सिस्टमेटिकली ड्रेन्स बाइल इनटू द ड्यूडेनम
वायदा किसके थ्रू? वायदा कॉमन बाइल डक्ट्स, ठीक है, एडिंग इन डाइजेशन एंड फैट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। किस में हेल्प करते हैं आगे? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारी और फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ये ना हो तो हमारी जो फैट एब्जॉर्प्शन है और डाइजेशन है वो काफ़ी आप कह लो कि मुश्किल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि देर आर थ्री मेन पार्ट्स हमारे पास होते हैं गॉल ब्लैडर के, ठीक है। देर आर थ्री मेन पार्ट्स टू द गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? तो फंडस आता है गॉल ब्लैडर का, ठीक है। फंडस को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? द फंडस इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ ए हॉलो ऑर्गन दैट इज फर्दर्स्ट अवे फ्रॉम द ओपनिंग, ठीक है। फंडस क्या है हमारे पास गॉल ब्लैडर का? फंडस वो पार्ट है हॉलो ऑर्गन का दैट इज फर्दर्स्ट अवे फ्रॉम द ओपनिंग, ठीक है। बहुत बहुत दूर होता है, ठीक है, ओपनिंग से। और अगर उसकी लोकेशन देखें फंडस की, फंडस और गॉल ब्लैडर की लोकेशन देखें तो क्या है हमारे पास? इट कैन बी फाउंड एट द लेवल ऑफ नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। इट कैन बी सीन, इट कैन बी फाउंड एट द लेवल ऑफ नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज एंड कैन बी सीन टू स्लाइटली प्रोट्यूड फ्रॉम अंडर द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लीवर, ठीक है। और स्लाइटली क्या है? ये प्रोट्यूड होता है। कौन प्रोट्यूड होता है? जो उसका फंडस वाला हिस्सा होता है गॉल ब्लैडर का, ठीक है। प्रोट्यूड होता है फ्रॉम, कहाँ से प्रोट्यूड होता है? ये इन्फीरियर एस्पेक्ट जो होता है लीवर का, वहाँ से उसकी इन्फीरियर वाली साइड पे, ठीक है, जस्ट सुपीरियर टू द ट्रांसवर्स कोलोन। मैं जब फिर रिपीट कर रही हूँ, इट कैन बी फाउंड एट द लेवल ऑफ नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है, एंड कैन बी सीन स्लाइटली प्रोट्यूड फ्रॉम अंडर द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ लीवर जस्ट सुपीरियर टू द ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। सुपीरियरली क्या होती है इसकी? ट्रांसवर्स कोलोन होती है। इसको आप इसके एज अ रिलेशन भी याद रख सकते हो। उसके बाद इसमें दूसरा पार्ट इसकी बॉडी आती है, ठीक है, बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर क्या होती है? इट लाइज अंडर द कवर ऑफ लीवर एंटीरियरली बट इज ऑल्सो इन कॉन्टेक्ट विद द ट्रांसवर्स कोलोन इन्फीरियरली एंड ड्यूडिनम होता है पोस्टीरियरली, ठीक है। क्या है ये हमारे पास? जो बॉडी होती है गॉल ब्लैडर की, ठीक है, इट लाइज अंडर द कवर ऑफ द लीवर एंटीरियरली, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रांसवर्स कोलोन इन्फीरियरली, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलोन की क्या है? इन्फीरियरली होती है ये बॉडी जो होती है गॉल ब्लैडर, ठीक है, एंड ड्यूडिनम की क्या है? पोस्टीरियरली होती है, ठीक है। ड्यूडिनम के क्या है? ये पोस्टीरियरली प्लेस होती है क्या? बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद का थर्ड पार्ट होता है, इसको हम नेक बोलते हैं, ठीक है, नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। वो क्या है हमारे पास? वो बेंट शेप में होती है, ठीक है। नेक क्या है हमारे पास? बेंट होती है इनटू एन एस शेप, ठीक है। बेंट नेक क्या है इसकी हमारे पास? एस शेप में होती है, एस अल्फाबेट की शेप में होती है और बेंट होती है, ठीक है। वो क्यों एस शेप में होती है, ठीक है? सो इट इज एबल या इट कैन बी एबल टू ज्वाइन द सिस्टिक डक, ठीक है। आगे किसको ज्वाइन कर रही होती है? सिस्टिक डक को ज्वाइन कर रही होती है, ठीक है। और क्या है? एस शेप होती है नेक जो होती है और बेंट होती है, ठीक है, एंड इट इज एबल टू ज्वाइन द सिस्टिक डक। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो बाइल होता है, ठीक है, बाइल जो होता है, ठीक है, बिगेंस इट्स जर्नी अवे फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ डक्ट्स टू जॉइन विद द कंटेंट्स ऑफ द पेनक्रियास एंड टुगेदर वर्क देयर ऑन द डाइजेस्टिव स्टमक, ठीक है, ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि जो बाइल है, ठीक है, आगे फर्दर क्या करती है कि गॉल ब्लैडर से जब ये निकल जाती है, ठीक है,
थ्रू अ सीरीज ऑफ डक्ट्स, ठीक है, उसके बाद क्या आगे जाके ये किसको ज्वाइन करती है, पंक्रियास के बहुत सारे जो कंटेंट्स होते हैं आगे फर्दर उसमें मिल जाती है ये बाइल जाके, ठीक है, उसके बाद क्या है कि पेनक्रियाज में मिल जाती है और स्टमक में मिल जाती है, ठीक है, जाके उसके बाद ये वहाँ से आप कह लोगे मॉलिक्यूलर लेवल पे आके क्या है ये मिल जाती है पेनक्रियाज के कुछ कंटेंट्स से और स्टमक के कुछ कंटेंट्स से, ठीक है, जब ये बाइल जो है हमारा निकल आता है गॉल ब्लैडर से, ठीक है, इसके आगे की बात करें उसके बाद क्या होता है कि सिस्टिक डक्ट, ठीक है, इज़ ओपन एंड क्लोज, ठीक है, सिस्टिक डक्ट क्या हमारे पास ओपन होती है क्लोज होती है वाया द स्पायरल वाल, ठीक है, स्पायरल वेल्स के थ्रू क्या है सिस्टिक डक्ट जो है वो ओपन होती है क्लोज होती है, ठीक है, विच इज़ मेड बाय द म्यूकोजा डेट सराउंड्स इट इन अ स्पायरल फॉर्मेशन, ठीक है, जो क्या है इसको आगे स्पायरल फॉर्मेशन में क्या है इसको आपका लगे जकड़ा होता है इसको सराउंड किया होता है। सिस्टिक डक्ट इज ओपन एंड क्लोज वाया द स्पायरल वाल विच इज मेड बाय द म्यूकोजा डेट सराउंड्स इट इन ए स्पायरल फॉर्मेशन। उसके बाद क्या है जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है, इस फॉर्म वाया द मर्जर ऑफ सिस्टम मतलब कि सिस्टिक डक्ट से मिलके बनती है, ठीक है, एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट, ठीक है, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है, इस फॉर्म बाय द सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये बेसिकली क्या है मर्ज होती है, ठीक है, विद द मेन पेनक्रेटिक डक्ट, ठीक है, मेन पेनक्रेटिक डक्ट के साथ ये मर्ज होती है, ठीक है, क्यों मर्ज होती है टू फॉर्म द हिपेटो पेनक्रेटिक एम्प्यूला, ठीक है, विच एंटर द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम थ्रू द मेजर ड्यूडेनल पैपिला, ठीक है, ये क्या है सारा इसका अंदर अंदर चल रहा होता है। और जो कॉमन बाइल डक्ट होती है क्या इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली हमारे पास के टू ड्रेन बाइल, ठीक है, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इन द ड्यूडेनम, ठीक है, जो हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो हमारे ये क्या करती है हमारे पास बाइल को ड्रेन करती है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से क्या है ड्रेन करती है बाइल को किस में ड्यूडेनम में, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट फंक्शंस टू ड्रेन बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर टू द ड्यूडेनम। उसके बाद क्या है कि जो आगे फर्दर ब्लड वगैरह होता है, ठीक है, इट इज़ ब्रॉड टू द गॉल ब्लैडर, ठीक है, वाया द सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी के थ्रू क्या है हमारे पास गॉल ब्लैडर में ब्लड आता है, ठीक है, जो आगे फर्दर क्या है कि इट स्टेम्स फ्रॉम द राइट हिपेटिक आर्टरी, ठीक है, और आगे फर्दर इट इज़ कलेक्टेड बाय द सिस्टिक वेन्स, ठीक है, जो आग क्या है हमारे पास नेक में ड्रेन करती है, ठीक है, एंड बाइलरी डक्ट्स एंड एम्प्टी इनटू द पोर्टल वेन। बाकी इसके अलावा दूसरी होती हैं वो ड्रेन करती हैं बॉडी में, बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर में, ठीक है, एंड फंडस। उसके बाद क्या है आगे आके सारी लिवर ड्रेन कर देती हैं, ठीक है, आफ्टर एम्प्टी बैक एंड लिवर, ठीक है, ठीक है, क्या है हमारे पास कि जो ब्लड है इट इज़ ब्रॉट टू द गॉल ब्लैडर, ठीक है, थ्रू द सिस्टिक आर्टरी विच स्टेम्स फ्रॉम द राइट हिपेटिक आर्टरी, ठीक है, और आगे जो है इट इज़ कलेक्टेड बाय द सिस्टिक वेन्स, ठीक है, ऑफ विच सम ड्रेन द नेक एंड बाइलरी डक्ट्स एंड एम्प्टी इनटू द पोर्टल वेन, ठीक है, वाइल अदर्स, ठीक है, दूसरी वेन जो है वो ड्रेन करती है बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर में एंड फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर में, ठीक है, एंड आफ्टर एम्प्टी बैक एंड लिवर, ठीक है, उसके बाद वापस क्या है लिवर में चली जाती है। और जो आगे फर्दर हिपैटिक नोड्स होते हैं, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिम्फैटिक ड्रेनेज ऑफ द रीजन, ठीक है, हिपैटिक नोड्स का आगे लिम्फैटिक ड्रेनेज में क्या है हेल्प करते हैं। अगर हम इनर्वेशन देखें इसके गॉल ब्लैडर के, ठीक है, इट्स कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है, फ्रॉम सिलिक प्लेक्सस।
इनोवेशन ऑफ द वॉल बिल्डर क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द सिलिक प्लेक्सिस, और जो पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं ठीक है फ्रॉम द वेगस नर्व, और सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं फ्रॉम द राइट फ्रेनिक नर्व, ठीक है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा हमने ओवरऑल देखा है गॉल ब्लैडर का, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा देखते हैं इसके कुछ और मेन पॉइंट्स को, ठीक है। हाँ, क्या डिस्कस किया था कि ये बाइली ट्रिक जो होता है हमारे पास डिवाइड जो होता है इंट्रा हिपैटिक में और एक्स्ट्रा हिपैटिक में, ठीक है। एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस क्या है हमारे पास, द बाइलरी पैसेजेस विच ट्रांसमिट्स बाइल, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम लीवर टू ड्यूडेनम एंड आर फाउंड आउटसाइड द लीवर आर कलेक्टिवली नोन एज एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद अगर फर्दर क्या है कि गॉल ब्लैडर हमारे पास क्या है, आप कहेंगे फ्लैंक शेप्ड, ठीक है, ब्लाइंड एंड डाइवर्टिकुलम अटैच टू द कॉमन बाइल डक्ट बाय सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और ये लाई करता है हमारे पास इन्फीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर पे, ठीक है, और इसकी लेंथ के हमारे पास 7 to 10 centimeter होती है, ठीक है, विद कैपेसिटी ऑफ 30 to 50 millimeter, ठीक है, 30 to 50 ml। इसके तीन पार्ट होते हैं हमारे पास, फंडस, बॉडी एंड नेक, ठीक है। जो नेक होती है वो कनेक्टेड होती है, ठीक है, टू सिस्टिक डक्ट थ्रू विच द गॉल ब्लैडर ड्रेन्स इनटू द बाइल डक्ट, ठीक है। नेक क्या है हमारे पास कनेक्टेड होती है सिस्टिक डक्ट के साथ, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है हमारे पास गॉल ब्लैडर होता है वो ड्रेन करता है बाइल डक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे फर्दर बॉडी के ग्रॉस फीचर्स देखें, ठीक है, बॉडी का गॉल ब्लैडर के, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि जो बॉडी है इट लाइज इन द फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, ठीक है, फोसा में लाई करती है ये, और सुपीरियर सरफेस होती है बॉडी की, ठीक है, उस इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है, द सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, और जो हमारे पास इन्फीरियर सरफेस होती है बॉडी की, ठीक है, इज रिलेटेड टू ट्रांसवर्स कोलोन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस क्या है, किससे रिलेट कर रही है हमारे पास, ट्रांसवर्स कोलोन से फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम इनसे। उसके बाद अगर फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर के कुछ ग्रॉस फीचर्स देखें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है कि इट इज एंटायरली सराउंडेड बाय पेरिटोनियम, ठीक है, इसको किसने सराउंड किया होता है, पेरिटोनियम के अंदर ने। उसके बाद क्या है कि इट प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है, इन द एंगल बिटवीन द लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस एंड नाइंथ कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर क्या है हमारे पास, इट प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है, इन द एंगल बिटवीन द लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड नाइंथ कॉस्टल कार्टिलेज। उसके बाद नेक देखें, नेक के हमारे पास द मिकोजा एट द मीडियल एंड ऑफ नेक इज अ फॉर्म ऑफ स्पाइरल ग्रोथ, ठीक है, एट द लिटल एंड नेक वाइडन्स टू फॉर्म हर्मेट्स पाउच, ठीक है। हर्मेट्स पाउच क्या होता है हमारे पास,
एक टर्म होती है, ठीक है, बेसिकली क्या है, जो हमारे पास गॉल स्टोन होते हैं, ठीक है, वो आप कह रहे थे एक तरह से इस पाउच के अंदर बनते हैं, ठीक है, उस पाउच को हम बोलते हैं हरमेंट्स पाउच, ठीक है, आपने सुना होगा कि पथरी हो गई, ठीक है, तो कहाँ हमारे पास होती है, बेसिकली एक पाउच होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, उसको हम हरमेंट्स पाउच बोलते हैं, ठीक है, तो मोस्टली क्या है, जो गॉल स्टोन है वो इसके अंदर बनते हैं, इस पाउच के अंदर, ठीक है, दे मे लार्ज इन दिस पाउच, ठीक है, ठीक है। क्या हमें क्या फीचर्स देखे हैं, द मैकुला एट द मिडिल एंड ऑफ नेक जो है इज इन फॉर्म ऑफ स्पाइनल ग्रूव, ठीक है, एट द लेटरल एंड क्या है हमारे पास, नेक वाइडन्स टू फॉर्म हरमेंट्स पाउच, गॉल स्टोन्स क्या है लार्ज इन दिस पाउच, उसके बाद क्या है इसमें आगे फर्दर हमारे पास कॉमन हिपेक्टिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हिपेक्टिक डक्ट क्या है कि इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हिपेक्टिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हिपेक्टिक डक्ट हमारे पास किससे मिलकर बनी होती है, बाय द यूनियन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हिपेक्टिक डक्ट, ठीक है, और जो कॉमन हिपेक्टिक डक्ट होती है इज जॉइंड बाय सिस्टिक डक्ट, ठीक है, टू फॉर्म बाइल डक्ट एंड एज एट द पॉइंट वेयर द बाइल डक्ट जॉइंट्स विद द पैनक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म एम्पेरा, ठीक है, कौन सा एम्पेरा विच ओपन्स ऑन द मेजर ड्यूरल पैपिला, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या हमारे पास इज जॉइन बाय किससे जॉइन होती है ये सिस्टिक डक्ट से, ठीक है, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए बाइल डक्ट, ठीक है, एंड एज एट द पॉइंट कहाँ खत्म होती है वेयर द बाइल डक्ट यूनाइट्स विद द पैनक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म एम्पेरा विच ओपन्स ऑन द मेजर ड्यूरल पैपिला। उसके अलावा आगे बाइल डक्ट के फंक्शन, बाइल डक्ट जो है आगे हमारे पास उसके हम रिलेशन देखें, ठीक है, रिलेशन ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, सुप्राड्यूरल इसका रिलेशन है, रेट्रोड्यूरल है और इंफ्राड्यूरल है और एक इंट्राड्यूरल है, ठीक है, इंट्राड्यूरल हमारे पास क्या है कि इन द वॉल ऑफ ड्यूरम टू डक्ट्स यूनाइट टू फॉर्म द हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पेरा ऑफ वाटर, ठीक है, एम्पेरा ऑफ वाटर VATER, ठीक है, इसके रिलेशन हमारे पास सुप्राड्यूरिनल है, रेट्रोड्यूरिनल है, इंफ्राड्यूरिनल है और इंट्राड्यूरिनल है, ठीक है, इंट्राड्यूरिनल क्या है हमारे पास, इन द लोअर ड्यूरम, ठीक है, टू डक्ट्स यूनाइट टू फॉर्म द हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पेरा ऑफ वेटर। बाइल डक्ट में हमारे पास क्या है, एक स्पेचर, तीन स्पेचर होते हैं इसमें, ठीक है, तीन स्पेचर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्पेचर्स ऑफ बाइल डक्ट अबव इट्स जंक्शन विद द पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेचर कोलोडोकस, ठीक है, और सेकेंड क्या है हमारे पास, स्पेंचर ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेंचर पैनक्रियाटिस, थर्ड होता है स्पेंचर ऑफ हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पेरा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेंचर ऑफ ऑडी। बाइल डक्ट में तीन स्पेंचर होते हैं हमारे पास, स्पेंचर कोलोडोकस, स्पेंचर पैनक्रियाटिकस और स्पेंचर ऑफ ऑडी, ठीक है, स्पेंचर ऑफ ऑडी क्या है हमारे पास, ऑफ हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पेरा का होता है ये, ठीक है, जो स्पेंचर पैनक्रियाटिकस जो होता है वो पैनक्रियाटिक डक्ट का होता है और जो स्पेंचर कोलोडोकस होता है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ऑफ बाइल डक्ट होता है अबव इट जंक्शन विद द पैनक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद का आर्टेरियल सप्लाई देखें तो हमारे पास क्या है, सिस्टिक आर्टरी है, ठीक है, ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी, आर्टरी सप्लाई हमारे पास क्या है, सिस्टिक आर्टरी है विच इज द ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी एंड सिस्टिक आर्टरी सप्लाईज गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड अपर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है, सिस्टिक आर्टरी किस किस को सप्लाई करती है, गॉल ब्लैडर को, सिस्टिक डक्ट को एंड अपर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को, ठीक है। उसके बाद दूसरी इसकी आर्टरी सप्लाई हुआ है हमारे पास सुपीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूरल आर्टरी, ठीक है,
सुपीरियर पैनक्रियाटिक को लोअर आर्टरी, ठीक है, वो किसको सप्लाई करती है, लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को, ठीक है, इट सप्लाइज लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट। उसके बाद हमारे पास इसके वेयर जो आती है, ठीक है, द वेयर ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर, क्या है हमारे पास, जॉइंट्स, हेपेटिक वेन्स, ठीक है, द वेयर होते हैं सुपीरियर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर के, ठीक है, इट जॉइंट्स, हेपेटिक वेन्स। उसके बाद क्या है, जो वर्स्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर जो है इस ड्रेन बाय सिस्टिक वेन विच ओपन्स इनटू राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, और जो लोअर पार्ट होता है बाइल डक्ट का जॉइंट्स इनटू पोर्टल वेन, ठीक है, और जो बाकी का गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, इज ड्रेन बाय सिस्टिक वेन विच ओपन इनटू राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, और जो लोअर पार्ट होता है बाइल डक्ट का वो ड्रेन करता है इनटू पोर्टल वेन। इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में देखें तो हमारे पास क्या है कि कोलेसिस्थेसिस और कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसकी दो डिजीज आती हैं। अच्छा, फंक्शन जो हमारे पास गॉल ब्लैडर में क्या क्या आते हैं, फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये स्टोरेज करता है बाइल को, ठीक है, स्टोरेज ऑफ बाइल, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, रिड्यूसेस अल्कलिनिटी ऑफ हेपेटिक बाइल, इट इक्वलाइजेस डक्टल बाइलर प्रेशर, ठीक है, ये इसके 4 to 5 के फंक्शन है हमारे पास। और इसके अलावा क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है कंट्रैक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, गॉल ब्लैडर जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, इट इज स्टिमुलेटेड बाय अ हार्मोन नोन एज कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, COLECYSTOKININ, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, ये हार्मोन आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है कि बाइल इज एन आप कह रहे कि इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, ठीक है, जो कि फैसिलिटेट करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज को फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, और जो हमारे पास हर्मेट्स पाउच होता है, ठीक है, ये स्मॉल डाइवर्टिब्यूलम होती है फ्रॉम नेक, और ये प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ड्यूडेनम, ठीक है, इट प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ड्यूडेनम एंड आल्सो कॉल्ड एज इनफंडिबुलम और इस्थमस, ठीक है, इसको हम क्या है इनफंडिबुलम भी बोलते हैं और इस्थमस भी बोलते हैं, ठीक है, हर्मेट्स पाउच को। और इसकी हार्मोन्स पाउच की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास, बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपका लगे कि जो वर्ड स्टोन्स क्या है वो बनते हैं या बन सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल होता है, ठीक है, लाइगेशन ऑफ सिस्टिक आर्टरी इन दिस कैलेट्स ट्राइंगल, ठीक है, इज वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप्स इन सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज सिस्टोहेपेटिक ट्राइंगल, ठीक है, कैलेट्स ट्राइंगल को क्या है सिस्टोहेपेटिक ट्राइंगल में बोलते हैं। जो हमारे सिस्टिक लिम्फ नोड होता है, ठीक है,
इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन द कैलस ट्राइंगल, ठीक है। और जो सिस्टिक नोड होता है ठीक है, कॉन्स्टेंटली क्या है, इनलार्ज होता है इन कोलेसिस टाइटस, ठीक है। नर्व्स ऑफ ब्लैडर और सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, ठीक है, कोलर के लिम्फेटिक प्लेक्सस, ठीक है, फ्रॉम टी 7 टू टी 9 वेगल होता है, वेगल स्ट्रेच है, ठीक है, और पैरासिंपैथेटिक नर्व है, ठीक है, वेगस नर्व्स राइट एंड लेफ्ट। अगर हम गॉल ब्लैडर की जो है रेफर्ड पेन की बात करें, ठीक है, रेफर्ड पेन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, कहाँ कहाँ हो सकती है इसकी रेफर्ड पेन गॉल ब्लैडर की, ठीक है, वो पता होना बहुत जरूरी है आपको। एट द इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला के इंफीरियर एंगल पे, ठीक है, इसका गॉल ब्लैडर रेफर्ड पेन हो सकता है, ठीक है। और टिप ऑफ राइट शोल्डर, ठीक है, एट द टिप ऑफ राइट शोल्डर, ठीक है, एंड एपिगैस्ट्रियम, तो तीन नए पॉइंट्स हैं रेफर्ड पेन ऑफ गॉल ब्लैडर के, कौन कौन से, इनफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, टिप ऑफ राइट शोल्डर एंड एपिगैस्ट्रियम। इनफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला के सिंपैथेटिक फाइबर्स ही आ रहे थे, ठीक है, टिप ऑफ राइट शोल्डर क्या है, राइट फ्रंट नर्व, ठीक है, और एपिगैस्ट्रियम क्या है, वेगस नर्व की वजह से। अगर कोलेलिस्थेसिस की बात करें, ठीक है, कोलेलिस्थेसिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, गॉलस्टोन बोलते हैं, ठीक है, गॉलस्टोन का दूसरा नाम क्या है, कोलेलिस्थेसिस, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ पीपल, ठीक है, जो अबव एज 40 होते हैं उनमें होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन में होता है वुमेन के अंदर, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। और कोलेस्ट्रॉल स्टोन है मोस्ट कॉमन, ठीक है, एंड आप में अंडरगो कैल्सिफिकेशन। अगर हम बाइलरी कोलिक की बात करें, ठीक है, बाइलरी कोलिक इट इज कॉज्ड बाय द स्पैज्म ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द गॉल ब्लैडर इन अटेम्प्ट टू एक्सपेल द गॉल स्टोन। बहुत इंटेंस किस्म का ये स्टोन होता है, ठीक है, इसमें फाइबर होते हैं फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ठीक है, एंटर द थोरैसिक सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड T7 to T9, और फिर जो रेफर्ड पेन होती है इस फेल्ट इन द राइट अपर क्वाड्रेंट और एपिगैस्ट्रियम। अच्छा, उसके बाद कोलेसिस्टिस की बात करें, ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है गॉल ब्लैडर की, ठीक है, कॉल्ड एज कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलेसिस्टाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज्ड बाय कोलेस्टेसिस विच कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज करता है बाय कोलेस्टेसिस की वजह से, ठीक है, विच कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट। ये वापस क्यूट भी होती है, क्रोनिक भी हो सकती है, ठीक है, इसके लिए ये मॉर्फी साइन होता है, ठीक है, मॉर्फी साइन, ये क्या है, हमारे पास डीप प्रेशर होता है एट राइट कोस्टल मार्जिन एट द हाइट ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है, डीप प्रेशर होता है एट राइट कोस्टल मार्जिन एट द हाइट ऑफ इंस्पायरेशन, और पेशेंट फील करता है स्टेबल पेन, ठीक है, और कैच इन ब्रेथ, ठीक है। और जो कोलेसिस्टाइटिस के सिम्टम होते हैं इसमें हमारे बाइलरी कोलिक आ सकता है, ठीक है, जॉन्डिस आ सकता है, ठीक है, मॉर्फी साइन का पॉजिटिव होना इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। हिपेटिक डक्ट्स दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट्स, ठीक है, दे इमर्ज टू पोर्टा हिपेटिस एंड राइट राइट एंड टू फॉर्म द कॉमन हिपेटिक डक्ट, ठीक है। The angle between the two is called as the cystohepatic angle, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास बाइल डक्ट, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास कि ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो कॉमन बाइल डक्ट होता है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है बायो सिस्टिक डक्ट विद कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, बैकवर्ड होती है और टुवर्ड्स राइट होती है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, सुप्रा ड्यूरिनल पार्ट, रेट्रो ड्यूरिनल, इंफ्रा ड्यूरिनल एंड इंट्रा ड्यूरिनल, ठीक है। सिस्टिक डक्ट हमारे पास 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, बैकवर्ड होती है, ठीक है, एंड इट जॉइंस कॉमन हेपेटिक डक्ट टू कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने चीज़ याद रखना है, हमारे पास एक सिस्टिक प्लेट होती है, ठीक है, या वो प्लेट होती है जो हमारे पास आपको लोग अटैच करती है सुपीरियर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर को लिवर के साथ, ठीक है, एक फाइब्रो इरेगुलर टिश्यू होता है, ठीक है, दैट अटैचेस द सुपीरियर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर टू द लिवर, उसको हम सिस्टिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और यह था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि इजी था और आपको समझ आया होगा, ठीक है, थैंक यू।